जब इनके पास वो जो नीकू की फैसिलिटी प्रॉपरली है ही नहीं है तो ये रेफर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं किया? इट मींस इनकी नेग्लिजेंसी है। हम इसको शाम को लाए, इन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी बीमार थी वो, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए। उन्होंने कहा कि हमने दो दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसकी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा नहीं प्रेजेंट है, अल्ट्रासाउंड चाहिए। प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड जो करवाया, उन्होंने कहा यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। देख लीजिए आप जो कठुआ की हालत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोया हुआ है। कठुआ में 7 बजे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, यू कैन गो आउटसाइड, वहाँ जाइए निशा के पास, वहाँ करवाइए अल्ट्रासाउंड। वहाँ करवाया, चलो जो मरता क्या ना करता, जिसने जो परेशान है उसने तो करना करना है अपने पेशेंट के लिए। जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा कि आपको हम रेफर कर रहे हैं, ये मेरी बहन है, तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आ गया, तो मैंने कहा रेफर दिया, बोले नहीं। मैंने कहा फाइल दो, मैं फाइल लेके गया, बोले जो गायनी की इंचार्ज है सर उसके पास गया मैं, उनके पास गया मैं, तो इन्होंने कहा कि बच्चे की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो नहीं है। ये डॉक्टर कह रहे हैं शिल्पा, चल डॉक्टर शिल्पा रहना, जो फैसिलिटी होनी चाहिए नीकू की वो नहीं है, तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो मैंने कहा फिर इसका क्या सोल्यूशन क्या है, उन्होंने कहा कि इसको हम कर सकते हैं लेकिन जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को हम ना मशीन में रख सकते हैं। तो मैंने कहा रख सकते हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप, मैंने कहा उनको कि आप दो बातें कीजिए, तो ये दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो नंबर वन मुझे रेफरल दे दीजिए, मतलब अगर मुझे आपने सारी सिचुएशन बता ही दी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब डिलीवरी हो तो ये यहाँ पर वो मशीन की सुविधा अगर ICU की पड़ेगी तो बच्चा सफर होगा। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको रेफरल नहीं दूंगी। मैंने कहा छोड़िए बात, नंबर दो आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए। इन्होंने कहा नाइदर आई गिव यू रेफरल नार आई गिव यू दिस फैसिलिटी एम्बुलेंस फैसिलिटी। तो मैंने कहा आप मुझे रेफरल भी नहीं दे रहे हो, एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप डेलिबरेटली केस को बिगाड़ रहे हो। इसने कहा कि मैं नहीं कहिए सब कुछ कर सकती। मैंने कहा आप यहाँ इंचार्ज हो, आप कह रहे हो कि मैंने ऑपरेशन करना है और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कल को अभी 2 मिनट के बाद अगर कोई पेशेंट को जा जाएगा तो आप क्या करोगे? आपके पास ऐसा सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए कि अगर आपके बस में नहीं है तो आप कनेक्ट करके दूसरे को उसका सपोर्ट ले सकते हो। आपकी चेन सिस्टम होता है, हायर अथॉरिटी उससे हो आ रहे ताकि उनके पास उनके बारे में बात करो ना कि इस तरह का केस है, सारे लोग घरों में सोए हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि रात को इन्होंने 12 बजे ऑपरेशन कर दिया। 12 बजे ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है। अब क्या करें, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है जो सिस्टम इन्होंने पहले कह दिया कि वो शफी सेंटर नहीं है, फिर वहाँ पर गए, अब वहाँ पर अभी तक बच्चा वहीं पर है। ये सुबह सुबह रात को किसी को पता नहीं क्या नहीं है, इन्होंने ऑपरेट किया और पूरी रात यहाँ कोई नहीं आया। फॉलो करना चाहिए ना, आपको पता है एक नॉर्मल डिलीवरी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर भले सो सकता है रात को, बट जो केस सीरियस है उसको पता है डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए, हर 2 घंटे हर घंटे के बाद उस पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। नहीं ये अपने बेड पर चले गए सोए रहे, सुबह आते हैं सुबह वो तब तक वो जो पेशेंट है सराउंडिंग में जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि जिसकी हालत पूरी रात खराब रही, नोबडी केम देयर, किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा। और डेलीबरेटली ये स्टाफ मेडिकल की नेग्लिजेंसी से जो आज पेशेंट मरा है, इनकी नेग्लिजेंसी से मरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल ही रहा, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक पेशेंट की डेथ हुई है सुबह 7:30 बजे के करीब, 7:20 पे, तो सिजेरियन तो रात को हुआ था, पेशेंट तो ठीक थी, बिल्कुल स्टेबल थी, फिर उसके बाद पेशेंट को एम्बोलिज्म हुआ है, उसकी वजह से कन्वर्शंस और ये सब हुआ, तो सारी टीम इधर ही थी, इससे स्टेट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम दुख की बात यह है कि एक मैम जैसे कि बताया गया कि डॉक्टर ने पहले देखा तो उन्होंने कुछ पेशेंट के जो उनके तीमारदार थे उनको बताया कि यहाँ पर कोई समस्या है, तो उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें उन्होंने जो डॉक्टर ने बात की है, उन्होंने कहा कि बच्चा जो था उनका वो थोड़ा अल्ट्रासाउंड पे IUG आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे
फैसिलिटी नहीं है, तो उन्हें कहा था कि बच्चे को शायद रेफर करना पड़े, लेकिन मदर तो बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मदर किस कंडीशन में ऐसा हुआ कि क्या उसकी केयर नहीं हुई या कोई और वजह थी कि जिसकी वजह से ये नौबत आई, क्योंकि आप बता रही हैं कि उसकी स्थिति सामान्य थी। अब जैसे पेशेंट्स की जब डिलीवरी होती है, पेशेंट्स की 24 घंटे के बाद पल्मरी एम्बोलिज्म भी हो जाता है, ऐसे नेचुरल डेथ्स हो जाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे का निकलता है, उसकी वजह से भी एम्बोलिज्म हो जाता है, लंग्स में क्लॉट चला जाता है, वो एक वजह होती है सडन डेथ की, ये कॉम्प्लिकेशन है। बाकी डॉक्टर्स की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट को बड़े सिजेरियन हुआ, उसके बाद वो 5 घंटे ठीक रही है, बिल्कुल 12 बजे सिजेरियन हुआ है उसका। मैडम अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर भी बात की गई है कि अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाना है, मैक्सिमम लोगों को बाहर ही करवाना के लिए रेफर किया जाता है, टेस्ट हो चाहे कोई भी लेबोरेटरी के टेस्ट। अल्ट्रासाउंड नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स काम है, तो दिन में तो होता है, रोज डेली होता है। क्या मैडम इमरजेंसी भी नहीं? इमरजेंसी में नहीं होता अल्ट्रासाउंड, 4 बजे के बाद नहीं, डॉक्टर्स काम है, एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर गुरप्रीत और डॉक्टर जो हमारे अनु महाजन है, तो सीटी स्कैन भी करते हैं, वो सारा डेली वो आते हैं, डेली तो सारा होता है, इमरजेंसी में भी होता है सब कुछ, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता, शाम को नहीं होते वो, बच्चा ठीक है नॉर्मल। हाँ जी, टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।